एक मैच जीत को तरसे ऋषभ पंत, लगातार दूसरा मैच हारे, पराग ने जिताया राजस्थान को मैच। तो भैया मैच कैसे हारते हैं वो ऋषभ पंत की कप्तानी में आपको सीखने को मिलेगी। भाई 10 ओवर में 100 रन मारना था, वो भी उनसे नहीं हुआ, जीता हुआ मैच हार गए वो कल। और हाँ गाइस सॉरी वीडियो नहीं आ रहा था, इसीलिए कुछ पर्सनल इशू था उसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, पर अब डेली आएगा वीडियो। तो चलिए मैच की बातें करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में गुरुवार 28 मार्च दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान ने 12 रनों से धांसू अंदाज में जीत दर्ज की। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान टीम विजय रथ पर सवार है, उसने लगातार अपना दूसरा मैच जीत लिया है। 186 रनों के टारगेट के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने खराब शुरुआत की थी, इसके परिणाम स्वरूप उसे मुकाबला गंवाना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स 5 विकेट गंवाकर 173 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। टीम के लिए ओपनर डेविड वार्नर ने 49 और स्टब्स ने नबाद 44 रन बनाए, कप्तान ऋषभ पंत ने 28 रन ही बना सके। दिल्ली टीम की यह सीजन में दूसरी लगातार हार थी, उसने अब तक 2 ही मैच खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स को अपने पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स के हाथों 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। दूसरी ओर राजस्थान ने इस सीजन में जीत से आगाज किया है, उसने अपने पहले मुकाबले में लखनऊ को 20 रनों से हराया था, अब दूसरा मैच भी जीत लिया है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी, टीम ने 36 रनों पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल 5 रन, कप्तान संजू सैमसन 15 रन और जोस बटलर 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद रियान पराग और अश्विन ने पारी को संभाला, दोनों के बीच 37 गेंदों पर 54 रन की पार्टनरशिप हुई। पराग ने सबसे पहले 34 गेंदों पर 50 पूरी की, साथ ही धुर जुरेल 20 रन के साथ 23 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी की। आखिर में पराग ने 45 गेंदों पर सबसे ज्यादा नबाद 84 रनों की पारी खेली। पराग ने सिमरन हेटमायर के साथ मिलकर 16 गेंदों पर 43 रन जोड़े, इस तरह राजस्थान का स्कोर 5 विकेट पर 185 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली टीम के लिए खलील अहमद, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, एनरिक नोरखिया और मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। इस मैच के लिए पंत ने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए। उन्होंने तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा अभी चोट से ठीक नहीं हुए हैं, ऐसे में उन्हें आराम दिया गया, जबकि साई होप को भी पीठ में समस्या है, इस तरह इन दोनों की जगह एनरिक नोरखिया और मुकेश कुमार को जगह दी। राजस्थान की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसी के साथ यह ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल्स के लिए 100वां मैच रहा। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले अमित मिश्रा ने मात्र दिल्ली कैपिटल्स के लिए 99 मैच खेले हैं। किसी टीम के लिए 100 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी सुरेश रैना थे, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए यह उपलब्धि हासिल की थी।